साहिबगंज जिला प्रशासन ने शहर के 8 मुहर्रम कमेटी पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष सचिव सहित कमेटी के सदस्यों के बीच हड़कंप मची हुई है। ज्ञात हो कि 17-18 जुलाई को साहिबगंज शहर के मुहर्रम जुलूस में जिला प्रशासन के आदेश और लाइसेंस के शर्तों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया गया था। शांति कमेटी की बैठक में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच जुलूस को निकालना तय हुआ था, लेकिन किसी भी कमेटी ने इस शर्त का पालन नहीं किया। सभी जुलूस रात 7 बजे के बाद निकाला और रात 3 बजे तक शहर में जुलूस घूमता रहा, जिससे सुबह से देर रात तक शहर में बिजली बाधित रही, लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। इसके अलावा देर रात तक लाउडस्पीकर बजाया गया, जो कि अपराध है। इन सभी बातों को देखते हुए विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश संबंधित थाना को दिया गया है, जिससे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा घटित ना हो। उनके द्वारा हमने जो उनको सुबह को जो नोटिस किया था, उन्होंने जो 17 तारीख और 18 तारीख को जुलूस निकाल करके जो जुलूस की शर्तों का वायलेशन किया था और 5 बजे के बाद जुलूस निकाला, जिससे हमको बिजली कटना पड़ा और 5 बजे के बाद हम 1 बजे रात तक बिजली नहीं दे पाए। उसके कारण जो लोगों को परेशानी हुई, असह्य कष्ट हुआ, उसकी जिम्मेदारी के लिए और जुलूस में निहित अन्य शर्तों, लाउडस्पीकर एक्ट का, बिजली एक्ट का अनुल्लंघन करने के लिए हमने उनको नोटिस किया था। नोटिस के उत्तर में उन्होंने लिख करके हमें हर एक आदमी ने दिया है, सदस्य ने, उसको हमने पढ़ा है। दो बातें कॉमन है, एक तो ये कि सभी ने इनवेरिएबली जुलूस की सीमा का उल्लंघन किया है, क्योंकि 5 बजे के बाद जुलूस उन्होंने चालू रखा है या 5 बजे के बाद बहुत सारे निकाला है और 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात तक लोगों ने इसको चालू रखा है। दूसरी बात यह कि किसी ने ये, सभी ने क्षमा प्रार्थना की है, लेकिन किसी ने ये बात कमिटमेंट नहीं किया है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं हो, इसलिए सभी लोगों का लाइसेंस तत्काल सस्पेंड कर देने के लिए बोल दिया गया है थाना प्रभारी। इसके अतिरिक्त चूंकि ये घटना अपराध है, इसमें भारतीय न्याय संहिता में जितने वर्णन हैं उनमें कई धाराओं में अपराध वर्णित हैं, इसलिए उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश संबंधित दंडाधिकारियों को जो थाना में प्रतिनियुक्त थे उनको दे दिया गया है। मुहर्रम झंडे की भी बात आई है, उस पर अलग से प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, ठीक है। जुलूस में जो शर्तें निहित हैं वो शर्तें पूर्ववत यथावत हैं, उसमें किसी को ऐसा कोई अपकृत करने की इजाज़त नहीं है जो संविधान में या मेजर एक्ट्स में अपराध के रूप में वर्णित हो। ऐसी घटना जो फिलिस्तीन के झंडे की बात आती है, इससे लोगों के भड़कने, उत्तेजित होने और कोई घटना कारित कर देने की पूरी संभावना होती है, ये अपराध के रूप में वर्णित है, उसको लेकर FIR दर्ज किया जा रहा है।